हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट ऑनलाइन अकेडमी पे आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविंद्र। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया के रेल रूट, भारत के रेल मार्ग के बारे में, प्लस हम लोग बात करेंगे इंडियन रेलवे का जो टिकट सिस्टम है वो कैसा है और किस तरीके से हम अपने टिकट को टाइम पे बुक कर सकते हैं। हम लोग जानेंगे कुछ लग्जरी ट्रेन्स के बारे में जिसे इंडियन रेलवे को बहुत ही रेवेन्यू जनरेशन होता है, प्लस हम लोग कुछ स्पेशल ट्रेन्स के बारे में भी जानेंगे जो पैसेंजर के नीड्स के अकॉर्डिंग इंडियन रेलवे चलाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा दी गई हर एक अपडेट आपको टाइम पर मिल जाए। तो चलिए चलते हैं हमारे रेल रूट ऑफ इंडिया टॉपिक पर। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंडिया के रेल रूट यानी कि रेल मार्ग के बारे में। आप सभी लोग ने इंडिया का रेल मैप जो है वो कई बार देखा होगा, सो उसमें जो चीज़ शो करती है वो इंडिया का रेल रूट है, ना कि वो ट्रैक लेंथ होता है और ना तो टोटल ट्रैकेज होता है। ये तीनों जो टर्म्स हैं मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि 99,000 क्या है, ये 1,26,000 क्या है, और रूट लेंथ और इसमें डिफरेंस क्या होता है। ये सारी पॉइंट्स मैं आपको समझा दे रहा, तो आप लोग इसको ध्यान से एक एक करके समझते चलिए। सबसे पहले जो हमको समझना है कि इंडिया में रेलवे नेटवर्क जो है वो रूट लेंथ पे हम लोग बात करते हैं, मतलब इंडिया ने कितने दूर तक के रास्ते को आज तक कवर कर लिया है या इंडिया का कितना परसेंट भाग रेलवे के रास्ते से कवर होता है। ये सिर्फ रास्ते का लेंथ है। जैसे कि हम कहीं पे भी जाते हैं किसी भी एक सिटी से दूसरे सिटी, अगर हम कोई हाईवे पकड़ते हैं तो वो हाईवे 4 लेन हो सकता है, 2 लेन हो सकता है या 6 लेन हो सकता है, बट वो जो हाईवे है वो हमारे लिए सिर्फ एक रूट है। एक हाईवे का मतलब एक रूट और एक तरफ से जाने पे कितना किलोमीटर हम तय करेंगे वो हमारा रूट लेंथ होगा। हम एक लेन पे जाते हुए जितना किलोमीटर तय करेंगे वो हमारे दो सिटीज़ के बीच में रूट लेंथ होगा। इट मीन्स इंडिया में जितने भी सिटीज़ को कनेक्ट किया गया है वो टोटल अराउंड 68,155 किलोमीटर के लेंथ को कवर करती है इंडियन रेलवे। अब अगर इस रेलवे लाइन में कुछ परसेंट जो लाइंस हैं वो डबल लाइंस होती हैं, इट मीन्स जैसे मैंने बताया कि जो हमारा हाईवे है उसमें हम लोग 2 साइड या 4 साइड या 6 साइड से जा सकते हैं। सो इंडियन रेलवे में अभी तक 2 लाइन का ही सिस्टम है। तो अगर हम 2 लाइन में से अगर जाएंगे, अगर हमने एक बार एक रास्ते से हम दूसरे शहर को गए और 200 किलोमीटर कवर किया और दूसरे बार दूसरे रास्ते से गए तो 400 किलोमीटर हो जाएगा। इट मीन्स दोनों रास्ते को अगर हमने पकड़ लिया या दूसरे साइड से हम एक और गाड़ी या एक और ट्रेन को भेज रहे हैं, सो हमारा टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 400 किलोमीटर। तो वो ही हमारा ट्रैक लेंथ होता है। जो लाइंस हमारी डबल लाइंस हैं उनका जो लेंथ है वो डबल हो जाता है दो सिटीज़ के बीच में। मीन्स जितने किलोमीटर पे हमारी रेलगाड़ियाँ चल सकती हैं, जितने ट्रैक्स किलोमीटर पे चल सकती हैं वो ट्रैक लेंथ है, और जितना लंबा रास्ता तय कर सकती हैं इंडिया में वो है 68,155 किलोमीटर। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर एक ट्रेन को पूरे इंडिया के सारे सिटीज़ को घूमना हो एक बार तो वो 68,155 किलोमीटर ज़्यादा नहीं जा सकती, बट अगर उसी ट्रेन को डबल लाइन से भी जाना हो और जितने भी डबल लाइन्स हो उन पे भी चलते हुए जाना हो दोनों लाइन पर, तो वो ट्रेन मैक्सिमम जो कवर कर सकती है सारे सिटीज़ में अगर चल के आएगी तो 99,235 किलोमीटर कवर कर सकती है। तो आप बस इतना ध्यान रखिए कि जो ट्रैक लेंथ होता है वो डबल लाइंस के जो किलोमीटर होते हैं उनको भी ऐड किया जाता है उसमें। जो हमारी डबल लाइन होती है इंडिया में इस वक्त अराउंड 30,000 डबल लाइंस है, 30,000 किलोमीटर की
डबल लाइन है। सो आप देख सकते हैं एक तरीके से जो हमारा जो गैप है ट्रैक लेंथ और रूट लेंथ में, ये भी अराउंड 30,000 है। सो 30,000 एक बार का, 30,000 दूसरे बार का, ये जब ऐड होता है तो 99,235 किलोमीटर हो जाता है अराउंड। अगर इंडिया में हम लोग बात करें टोटल ट्रैक ट्रैकेज क्या है, सो टोटल ट्रैक ट्रैकेज क्या होता है, हमने अभी तक ट्रैक लेंथ को ले लिया, ट्रैक लेंथ हमने समझ लिया कि अगर हम सारे रेल लाइंस कितना किलोमीटर ट्रेन्स चल सकती हैं सारे रेल लाइंस पर, सो वो हो गया 99,000। बट अगर सारे सिटीज़ के डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो वो होता है रूट लेंथ। बट अगर उनके डबल लाइन के डिस्टेंस को भी जोड़ लेंगे, जो डबल लाइन पे भी दूसरी ट्रेन चलाई जा सकती है, तो वो होता है ट्रैक लेंथ। और टोटल ट्रैकेज क्या होता है, ये होता है कि जितने किलोमीटर और हमारी ट्रेन्स चलती हैं इन सारे रनिंग, मतलब जो हमारे सिटीज़ के बीच में ना चलती हों, और जब ट्रेन्स हमारे स्टेशन पे पहुंचती है और अपने यार्ड में जाके खड़ी होती है, सो वो भी प्लेटफॉर्म से जितना किलोमीटर चल सकती है, अगर वो सारे जो किलोमीटर हैं हर एक स्टेशन का भी जोड़ दें तो हमारा टोटल ट्रैकेज, मतलब इंडिया में कितने किलोमीटर की रेल लाइन मौजूद है, सो वो होती है 1,26,366 किलोमीटर। अब अगर हम इसमें से जो हमारे प्लेटफॉर्म और यार्ड के बीच में डिस्टेंस है, हमको पैसेंजर को उससे मतलब नहीं होता है, सो अगर हम सिर्फ इतनी बातें याद रखें कि ट्रैक लेंथ जो हमारी डबल लाइंस को जोड़ के जो लेंथ कवर कर सकती है ट्रेन वो होता है ट्रैक लेंथ, और रूट लेंथ क्या होता है, सारे सिटीज़ के बीच में जितना भी किलोमीटर एक ट्रेन को मैक्सिमम लेके जाया जा सकता है वो होता है हमारा टोटल रूट लेंथ। आई होप ये बात आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसमें आप लोग ये सारी बातें बिल्कुल ध्यान रखिए कि हमारे इंडिया में इस वक्त जो हमारा ब्रॉड गेज सिस्टम है वो सबसे प्रिवेलेंट है। ब्रॉड गेज सिस्टम जो है हमारा, इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, ये ज़्यादा लोड को लेके जा सकता है, और टर्निंग में जो एक्सीडेंट हो जाते हैं ट्रेन्स के, जो टर्न के वक्त कई ट्रेन जो है वो नीचे गिर जाती थी, उनका जो रीज़न था वो ये शॉर्ट लेंथ का जो गेज सिस्टम था वही था जो मीडियम एंड नैरो गेज था। इसीलिए मैक्सिमम ट्रेन्स को इस वक्त ब्रॉड गेज लाइंस पे ही दौड़ाया जाता है, और फ्रेट ट्रेन्स के लिए तो कंपलसरी है कि ब्रॉड गेज लाइन होनी ही चाहिए। सो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आप लोग एकदम ध्यान से इसको याद रखिए कि 94% ब्रॉड गेज लाइन, 3.54% जो है वो मीडियम गॉज लाइन है, और 2.36% जो है हमारे नैरो गेज। नैरो गेज इस वक्त सिर्फ बहुत कम जगह है, कुछ माउंटेन रेलवे हैं जैसे कालका शिमला माउंटेन रेलवे है, और हमारे दार्जिलिंग की माउंटेन रेलवे है वहाँ पे नैरो गेज लाइन अभी भी प्रेजेंट है। सो ये बहुत ही कम है, अराउंड 1,809 किलोमीटर। सो इस बात को आप लोग एकदम ध्यान रखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि इंडिया में जो रेल यार्ड है वहाँ तक की अगर सिर्फ बात करें, प्लेटफॉर्म और रेल यार्ड के बीच में जो किलोमीटर है वो अराउंड कितना है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रैक लेंथ है वो रेल यार्ड का किलोमीटर नहीं है, जो ट्रैक लेंथ में 27,000 के अराउंड जो किलोमीटर हम ऐड कर रहे हैं यही हमारा रेल यार्ड के लिए जो रेल लाइंस गई हैं वो हमारा उतना किलोमीटर 27,000 किलोमीटर रेल यार्ड के लिए लाइन इंडिया में गई हुई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ट्रेन्स बहुत बाहर जाके खड़ी होती हैं, इसे आप लोग ध्यान इस बात को ध्यान रख सकते हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंडियन रेलवे जो है हमारे विश्व में चौथे नंबर पर, फोर्थ नंबर की रेलवे नेटवर्क की लाइन है। ये जो रेलवे नेटवर्क है ये किस चीज़ पे बेस्ड है, तो ये टोटल ट्रैकेज पे बेस्ड है।
इंडिया में टोटल कितनी लाइंस हैं, मैंने अभी इसके जस्ट ऊपर वाले पॉइंट में बताया आपको टोटल ट्रैकेज। सो इंडिया में जो टोटल ट्रैकेज है अगर उसके अकॉर्डिंग इंडिया में रेलवे की रैंकिंग देखें, सो इंडिया की जो रैंकिंग है रेलवे की वो फोर्थ है टोटल ट्रैकेज पे। और अगर बात करें इंडिया में जो इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन है, जो इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क हमारा बन चुका है इस वक्त, जो अराउंड 45,881 किलोमीटर हो गया है, अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया की रैंक सेकेंड नंबर पे आती है। इट मीन्स इंडिया बहुत ही अच्छे तरीके से इलेक्ट्रिफाइड नेटवर्क का यूज़ करने के लिए आगे बढ़ रहा है। फर्स्ट नंबर पे हमारा रसिया है, इंडिया जो है वो रसिया के बाद सेकेंड ऐसी कंट्री है जो डीजल और कोल के इंजन से अब वो फ्री होना चाहती है, वो कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन अपने रेलवे लाइंस का करने वाली है। इस वक्त जो हमारे इंडियन रेलवे का जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो 71% हो चुका है सारी ब्रॉड गेज लाइंस का। ब्रॉड गेज लाइंस जो हैं वो 64,000 किलोमीटर लगभग हैं और 71% ऑफ ब्रॉड गेज लाइंस का इलेक्ट्रिफिकेशन इंडियन रेलवे कर चुका है। अब बहुत लोग पूछेंगे कि नैरो गेज एंड मीडियम गेज लाइन का क्यों नहीं किया, तो वो इसलिए नहीं किया है कि अभी नैरो गेज एंड मीटर गेज जो लाइंस हैं उनको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही उनका इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया कम्प्लीटली अपने सारे लाइंस को ब्रॉड गेज नेटवर्क में लाने वाला है। सो इसलिए अभी जो ब्रॉड गेज लाइंस का 71% हिस्सा है वो इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए। और ये कितना किलोमीटर होता है, ये 45,881 किलोमीटर है मार्च 2021 तक। ओके, सो इसमें जो मेन पॉइंट है, एक और पॉइंट आती है कि इंडिया किस समय तक अपने सारे लाइंस को इलेक्ट्रिफाइड करने वाला है। सो इसका जो एम है वो कोर के अंडर आता है इलेक्ट्रिफिकेशन का, और कोर जो हमारी कंपनी है सेंटर फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सो ये जो कोर हमारी है ये 2023 और 24 तक इंडिया के सारी ब्रॉडगेज लाइंस को इलेक्ट्रिफाई करने का लक्ष्य रखती है। अराउंड 71% हो चुका है, तो लेट्स होप 23 एंड 24 तक हमारी सारी लाइंस इलेक्ट्रिफाइड हो जाएंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विवेक वीकली एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। सो अगर इंडिया में जो हमारा रेल रूट है इसमें जो ट्रेन सबसे लंबे रास्ते को तय करती है, जो हमारा इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल रूट मतलब मैंने रास्ता बताया, सो जो ट्रेन सबसे ज़्यादा लंबे रास्ते के किलोमीटर को तय करती है इंडिया में, वो है हमारी विवेक वीकली एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन है ये अराउंड 4,286 किलोमीटर का लेंथ, ये डिस्टेंस ये कवर करती है, वो भी 82 आवर्स 30 मिनट में, मीन्स मोर देन 3 डेज से ज़्यादा समय लेकर ये ट्रेन 4,286 किलोमीटर को कवर करती है। इसमें कोई भी पैसेंजर जो डिब्रूगढ़ से बैठेगा वो कन्याकुमारी तक पहुँचते पहुँचते उसकी क्या हालत होगी आप लोग समझ सकते हैं। सभी लोग इंडियन रेलवे में ट्रैवल करते हैं, सो आप किसी भी कोच में ट्रैवल करें, चाहे एसी में या फर्स्ट एसी किसी में भी ट्रैवल करें, बट जो पेशेंस होता है इतना किलोमीटर चलने का आई हो बहुत कम लोग के पास ही होता है। सो इंडिया का जो लॉन्गेस्ट रेल रूट है आप लोग समझ गए होंगे, ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक है, और जो ट्रेन इस रेल रूट को कवर करती है वो है हमारी विवेक वीकली एक्सप्रेस। ये जो हमारी ट्रेन है ये 9 इंडियन स्टेट से पास होते हुए, डिब्रूगढ़ हमारा असम में है और कन्याकुमारी हमारा तमिलनाडु में है। सो कन्याकुमारी तक जाते जाते ये 9 इंडियन स्टेट को क्रॉस करती है, और इस ट्रेन को 2013 में स्टार्ट किया गया था। 2013 में क्यों? क्योंकि 2013 में जो स्वामी विवेकानंद हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी,
150th बर्थ एनिवर्सरी थी उनकी। सो उनके इसी एनिवर्सरी को मनाने के लिए, क्योंकि कन्याकुमारी में विवेकानंद स्मारक भी है, सभी लोग को पता होगा, जिनको नहीं पता वो जान लें। सो क्योंकि कन्याकुमारी तक ये ट्रेन जाती थी, इसलिए इसका नाम भी विवेक एक्सप्रेस रख दिया गया है। और ये ट्रेन हमारे इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रूट को कवर करने वाली ट्रेन है। ये ट्रेन एक वीकली ट्रेन है, ये भी ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें वो है, अगर आपसे कोई पूछता है कि इंडिया की कौन सी ट्रेन सबसे ज़्यादा स्टेट्स को क्रॉस करती है, सो जो ट्रेन सबसे ज़्यादा स्टेट को क्रॉस करती है वो है हिमसागर एक्सप्रेस। हिमसागर एक्सप्रेस जो है ये कन्याकुमारी से जम्मू तवी के लिए जाती है। और ये जो ट्रेन है ये अराउंड 3,715 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करती है। और ये इंडिया की सेकेंड ऐसी ट्रेन है जो सबसे बड़े लेंथ को कवर करती है। बट सबसे ज़्यादा स्टेट्स को कवर करने वाली हिमसागर एक्सप्रेस है, सेकेंड नंबर के रूट लेंथ को और फर्स्ट नंबर के स्टेट्स को क्रॉस करती है, मतलब 11 स्टेट्स को क्रॉस करती है। और जो हमारी डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस चलती है सिर्फ 9 स्टेट्स को क्रॉस करती है। सो ये दोनों पॉइंट्स को आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए। कुछ और ट्रेन जो है हमारी, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सो कुछ और ट्रेन्स के बारे में भी देख लेते हैं। जो हमारी इंडिया की जो डेली चलने वाली लॉन्गेस्ट रूट की ट्रेन है वो है केरला एक्सप्रेस। केरला एक्सप्रेस डेली चलती है और जो विवेक एक्सप्रेस है वो वीकली चलती है। सो डेली चलने वाली लॉन्गेस्ट ट्रेन कौन सी है? केरला एक्सप्रेस। वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपकी डेली चलने वाली ट्रेन कौन सी है, बट अगर हम परफेक्ट मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमको सभी पॉइंट्स देख के चलना चाहिए। सो लॉन्गेस्ट रन ऑन डेली बेसिस केरला एक्सप्रेस। और ऐसी कौन सी ट्रेन है जिसमें मैक्सिमम हॉल्ट हैं, जो सबसे ज़्यादा रुकती है इंडिया में, या कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेशंस को कवर करते हुए इंडिया की कौन सी ट्रेन चलती है? तो वो है हावड़ा अमृतसर। वेस्ट बंगाल से अमृतसर तक जाती है। और इसके जो टोटल हॉल्ट हैं ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि 115 हॉल्ट्स ये ट्रेन कवर करती है। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस ट्रेन के बारे में पहले पूछा जा चुका है आरआरबी में। सो आरआरबी में वैसे ट्रेन से रिलेटेड बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, बट जो हमारा आरआरबी एनटीपीसी है उसके पेपर में पहले क्वेश्चन आ चुका है कि इंडिया की कौन सी ट्रेन मैक्सिमम हॉल्ट को कवर करती है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं वो है लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप रन ट्रेन। ऐसी कौन सी ट्रेन है जो इंडिया में सबसे लंबे दूरी को बिना रुके हुए तय करती है? सो वो है त्रिवेंद्रम राजधानी। राजधानी ट्रेन्स के बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा। सो आप लोग को ये ध्यान रखना है कि 528 किलोमीटर्स 6.5 घंटे लगातार चल के जो ट्रेन इंडिया में नॉन स्टॉप चल के कवर करती है वो है त्रिवेंद्रम राजधानी। आई होप ये सारी पॉइंट्स आपको समझ में आ गई होंगी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चलिए बात करते हैं अब इंडिया के टिकटिंग सिस्टम के बारे में। सभी लोगों को इंडियन रेलवे ट्रैवल करना रहता है, सभी लोग टिकट्स को बुक करते हैं। सो इंडिया में जो टिकट सिस्टम यूज़ होता है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट कहती है कि जो ARP सिस्टम है हमारा, एडवांस रिजर्वेशन पीरियड, ये अराउंड 120 डेज होता है ट्रेन के डिपार्चर के पहले। अगर हमारी कोई ट्रेन 30 जून को डिपार्चर होने वाली है, सो इट मीन्स 30 जून से 120 डेज पहले ही हम उस ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं बाय जनरल कोटा। जनरल कोटा मीन्स आपके पास कोई भी अलग कोटा सिस्टम नहीं है जिसे आप ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं, तो आप जनरल कोटा अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 120 डेज पहले ही आप टिकट को बुक कर सकते हैं। इतनी फैसिलिटीज़ इंडियन रेलवे देती है। और जो 50% सीट्स है हमारी इंडियन रेलवे के किसी भी पैसेंजर ट्रेन की, वो जनरल कोटा से ही बुक होती है। कुछ और जो 50% सीट्स हैं वो दूसरे कोटा से बुक होती हैं,
वो जितने भी कोटा सिस्टम है इंडियन रेलवे में, अभी तक 12 कोटा सिस्टम चालू किए गए हैं। सो सारे कोटा सिस्टम आप देख सकते हैं और इनके एब्रिविएशन के फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। TQ मतलब आप कभी भी देखें अपने टिकट पे, अगर TQ लिखा होगा तो तत्काल सिस्टम से आपने टिकट बुक किया है। हालांकि आप बुक करने जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं तत्काल से ही बुक कर रहा हूँ। और अगर PT लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हैं PT का फुल फॉर्म प्रीमियम तत्काल होगा। LD मतलब लेडीज़ कोटा, इंडियन रेलवे में लेडीज़ के कोटा से भी आप जो लेडीज़ हैं उनको ट्रैवल में कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए इंडियन रेलवे में लेडीज़ कोटा भी है। बट ये लेडीज़ कोटा में सीट्स बहुत ही कम होती हैं, इसलिए सबको ये नहीं मिल पाता। मैक्सिमम लोग जो हैं जनरल कोटा से टिकट को बुक कर पाते हैं। SS मतलब सीनियर सिटीज़न, सीनियर सिटीज़न जो हैं, जो हमारे 60 प्लस होते हैं, इंडियन रेलवे उनको सीनियर सिटीज़न के तौर पर टिकट्स को बुक करके देती है और मैक्सिमम उनको लोअर बर्थ ही प्रिफर्ड दिया जाता है। और वो लोअर बर्थ को मांग भी सकते हैं सीनियर सिटीज़न कोटा से। SS मतलब लोअर बर्थ कोटा भी होता है। सो SS का मतलब आप कभी भी टिकट पे देखें तो आप समझ जाएं कि ये सीनियर सिटीज़न कोटा से टिकट को बुक हुआ है। HP मतलब होगा हैंडीकैप फिजिकली, अगर कोई भी पर्सन हैंडीकैप्ड है या स्पेशली एबल्ड है सो वो अपने टिकट को HP कोटा से बुक कर सकता है। और HO जो हमारे इंडियन रेलवे के जो हेडक्वार्टर्स हैं या ऑफिसर्स हैं, अगर उन लोग को किसी भी काम से रिलेटेड कहीं जाना है, जैसे आप लोग की अगर DVF CCIL में जब सीट पक्की हो जाएगी, आप लोग की जॉब लग जाएगी, और अगर आप लोग ऑफिस से रिलेटेड किसी भी काम के लिए जाते हैं, ऑफिशियल काम के लिए, तो आप लोग को HO कोटा के तहत आपको सबसे पहले सीट को दिया जाएगा। बाकी सारे कोटा जो है इंडियन रेलवे में, इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए भी एक कोटा सिस्टम होता है, बट अगर आप ऑफिशियल काम से जाते हैं कहीं पे भी तो आप HO कोटा सिस्टम से तुरंत ही अपने टिकट को बुक कर सकते हैं। PH मतलब पार्लियामेंट हाउस, कोई भी जो हमारे देश का MP है वो इंडियन रेलवे में PH कोटा से कहीं पे भी ट्रैवल कर सकता है। और इनको टिकट सबसे पहले दिया जाता है क्योंकि इंडिया में माना जाता है कि सारे मंत्री काम करते हैं और इनको सीट्स देना ज़रूरी है, अपने काम से रिलेटेड इनको टाइम पे पहुंचना ज़रूरी है, इसलिए PS सिस्टम से इनको टिकट सबसे पहले दे दिया जाता है। PH और HP कोटा में आप लोग कंफ्यूज नहीं करेगा, PH मतलब पार्लियामेंट हाउस, HP मतलब हैंडीकैप्ड फिजिकली। जो DF कोटा है, डिफेंस कोटा, ये सारे आर्मी, जो हमारी इंडियन नेवी है, इंडियन आर्मी है और जो हमारी इंडियन एयरफोर्स है, ये सारे अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं इनके, वो डिफेंस कोटा से अपने सीट्स को रिज़र्व कर सकते हैं। और मैक्सिमम ट्रेन्स में डिफेंस कोटा की सीट्स पहले से ही रिज़र्व रहती हैं, बहुत कम इंडिया की ट्रेन्स हैं जिसमें डिफेंस कोटा सिस्टम नहीं है। और बहुत ऐसी ट्रेन्स भी हैं इंडिया, इंडियन रेलवे में, जिसमें और भी कई कोटा सिस्टम नहीं चालू होते, बट वो ट्रेन टू ट्रेन डिपेंड करता है। मैक्सिमम ट्रेन्स में जो है आपको ये सारे 12 कोटा सिस्टम मिलते हैं। FT जो हमारा कोटा सिस्टम है फॉरेन टूरिस्ट के लिए है, अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में टिकट बुक करना चाहता है ट्रैवल के लिए, सो उसके लिए जो एडवांस रिजर्वेशन पीरियड है वो 365 डेज़ है, मतलब वो एक साल पहले से ही अपनी बुकिंग को कर सकता है। अगर उसको 2022 में, अगर जून के महीने में जाना है तो जून 2021 में ही वो अपने टिकट को बुक कर सकता है। 2022 का टिकट वो 2021 में बुक कर सकता है अराउंड 365 डेज़ के। और जो तत्काल सिस्टम है ये सभी लोग तत्काल बुकिंग करते हैं, इसमें जो हमारा रिजर्वेशन है वो सिर्फ एक दिन पहले ही चालू होता है, इसीलिए तत्काल कोटा का जो ARP होता है वो सिर्फ 1 डे होता है। उसके पहले आप कितना भी तत्काल का टिकट मांग लीजिए आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ आप एक दिन पहले जो ट्रेन का डिपार्चर है उसी दिन वो चालू होता है, उसी दिन ख़त्म हो जाता है। और तत्काल सिस्टम में टिकट बुक करना बहुत ही मुश्किल भी होता है, इसीलिए
क्योंकि वो एक ही दिन पहले ही ख़त्म हो जाता है और एक दिन पहले ही चालू होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारी है कि जो हमारे इंडिया का कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम है, अभी तक जो इंडिया में हम लोग रिजर्वेशन सिस्टम यूज़ करते थे IRCTC जो हमारे इंटरनेट के थ्रू टिकट को बुक करती उसके पहले, तो ये सारा सिस्टम हम विंडोज़ से टिकट को ख़रीदते थे जाके, और वहाँ पे ही हम लोग एक पर्ची में सारी डिटेल्स अपनी लिख के अपने टिकट को बुक करते थे। सो कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम जो इंडिया में है वो सबसे पहले किस स्टेशन पे चालू हुआ था, वो था चाणक्यपुरी, और ये 1986 में चालू हुआ है, जो कि बहुत ही लेट है। उसके पहले इंडियन रेलवे दूसरे तरीके से टिकट को बुक करती थी, जिसमें पहले विंडो से ही टिकट बुक होता था, बट उसमें कंप्यूटराइज जो इन्फॉर्मेशन वो कभी लिंक्ड नहीं हो पाती थी कि किस स्टेशन से कितने टिकट बुक हो चुके हैं, ये बार बार डाटा सीट आपको सेंड करनी पड़ती थी। अभी 1986 से क्या हो गया है कि हम कंप्यूटर से सारे इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, कितने हमारी सीट्स अवेलेबल हैं बुकिंग के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग कंप्यूटर से ही कर लेते हैं, और इससे बहुत ही आसानी भी हो जाती है। और एक और सिस्टम जो इंडियन रेलवे में यूज़ होता है वो है सेल्फ प्रिंटिंग मशीन। अभी तो ATVM मशीन भी आ गई हैं, अगर आप मैक्सिमम स्टेशन पे देखेंगे तो आप खुद से कॉइन्स एंड रुपीस डाल के आप उसमें किस स्टेशन से कहाँ तक जाना है आप लोग डाल के उसको अपने टिकट को निकाल सकते हैं। बट इस तरह की जो पहली मशीन आई थी सेल्फ प्रिंटिंग, उसमें भी इसी तरह का सिस्टम था, बट ये स्टेशंस फिक्स थे, इसमें आप स्टेशंस चेंज नहीं कर सकते थे, ये कुछ ही स्टेशंस के लिए थी। जैसे ये मशीन भी जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई थी वो भी चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में ही इंट्रोड्यूस हुई थी, और कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम भी सबसे पहले चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में इंट्रोड्यूस हुआ था। और चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में आप लोगों को याद रखना है कि हमारा नेशनल रेल म्यूज़ियम भी जो है वो चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में है। सो चाणक्यपुरी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। और आज के समय में IRCTC सभी लोग जानते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग का यूज़ करती है। आप साइट ओपन करते हैं तो आपको वहाँ पर लिखा ही रहता है कि नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग। सो ये सिस्टम है जो क्रिस ने बनाया था, क्रिस के बारे में मैंने अपने सेकेंड लेक्चर में बताया है। अगर आप क्रिस से रिलेटेड कोई भी बात जानना चाहते हैं तो आप सेकेंड लेक्चर को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। सो IRCTC जो है नेक्स्ट जनरेशन ई टिकटिंग सिस्टम यूज़ करती है, जिसके द्वारा हम घर बैठ के कोई भी अपने टिकट को बुक कर सकता है और सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकता है, कौन सी ट्रेन कब अवेलेबल है और कहाँ कहाँ जाएगी, कब हम अपने टिकट को बुक कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हम IRCTC के वेबसाइट से देख सकते हैं। और IRCTC के बारे में सभी लोग कंप्लेन भी करते हैं कि साइट स्लो चलती है, बट एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि साइट में एक सेकंड में 12 लाख लोग अपने टिकट को बुक करते हैं एवरी सेकंड। सो ये मैक्सिमम है 12 लाख, बट 12 लाख यूज़र्स को हैंडल करना IRCTC के लिए भी किसी भी साइट के लिए पॉसिबल नहीं है। सो एक सेकंड में अगर 12 लाख लोग टिकट को बुक करेंगे तो साइट हैंग होगी, साइट नहीं खुलेगी, ये तो होगा ही, क्योंकि इतनी इंडिया में जो क्राउड है वो सभी लोग जानते हैं टिकट हासिल करना इंडिया में अभी भी बहुत मुश्किल है। सो आगे और भी डेवलपमेंट्स होंगी टिकटिंग से रिलेटेड, जितनी पॉइंट्स हैं आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, चले समझते हैं इंडिया के कुछ लग्जरी ट्रेन्स के बारे में भी। सो इंडिया में जो सबसे पहली लग्जरी ट्रेन जो टूरिज़्म के पर्पज़ से चलाई गई थी वो थी पैलेस ऑन व्हील। ये ट्रेन राजस्थान टूरिज़्म के द्वारा चलाई गई थी, और राजस्थान टूरिज़्म ने एक और लग्जरी ट्रेन चलाई है जो है रॉयल राजस्थान ऑन व्हील। ये दोनों ट्रेन राजस्थान टूरिज़्म चलाता है आज भी। सो इंडियन रेलवे एंड राजस्थान टूरिज़्म का जॉइंट वेंचर है जिसके द्वारा ये दोनों लग्जरी ट्रेन्स इंडिया में चलती हैं, और ये ट्रेन्स राजस्थान में सारे प्लेसेस में जाती हैं, जो पैलेस जितने भी राजस्थान में पैलेस हैं वो सारी जगह का टूर इंडियन टूरिस्ट या जो भी टूरिस्ट वहाँ घूमना चाहते हैं वो घूम सकते हैं।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेन है डेक्कन ओडिसी। डेक्कन ओडिसी महाराष्ट्र टूरिज्म चलाता है इंडियन रेलवे के साथ। सो महाराष्ट्र में एक ट्रेन मैंने आपको बताई थी फर्स्ट लेक्चर में, डेक्कन क्वीन, जो वो इंडिया की पहली डिलक्स ट्रेन है और पैलेस ऑन व्हील इंडिया की पहली टूरिस्ट रेल ट्रेन है, जो 1982 में चली है और डेक्कन क्वीन 1930 में चली थी। सो डेक्कन क्वीन से आप डेक्कन ओडिसी को भी रिलेट कर सकते हैं कि महाराष्ट्र टूरिज्म चलाता है इसको। और नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट ट्रेन है गोल्डन चैरियट, इसको कर्नाटका टूरिज्म चलाता है। कर्नाटका में एक बहुत ही फेमस टेम्पल है, सभी लोग को पता होगा, हम्पी में विट्ठल टेम्पल, जो लोग कर्नाटका से वो लोग इसको जानते होंगे कि विट्ठल टेम्पल में जो हमारा चैरियट है, जो हमारा रथ है स्टोन का बना हुआ, उसी के नाम पे गोल्डन चैरियट ट्रेन भी चलती है कर्नाटका टूरिज्म के लिए। सो कर्नाटका टूरिज्म को गोल्डन चैरियट ट्रेन प्रमोट करती है और ये भी बहुत ही लग्जूरियस ट्रेन है जो कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा सभी प्लेसेस को कवर करती है और सारे टूरिज्म से रिलेटेड जो साइट है आसपास की, हर जगह ये ट्रेन जाती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो ट्रेन है वो है रॉयल ओरिएंट। ये जो ट्रेन है ये गुजरात टूरिज्म, राजस्थान टूरिज्म और इंडियन रेलवे तीनों का जॉइंट वेंचर है। रॉयल ओरिएंट बहुत ही स्पेशल इसलिए हो जाती है कि ये तीन जो हमारी चीज़ें हैं उनका जॉइंट वेंचर है, हमारे गुजरात राजस्थान के टूरिज्म का और इंडियन रेलवे का, तीन चीज़ों का ये जॉइंट वेंचर ये हमारी रॉयल ओरिएंट ट्रेन है। नेक्स्ट जो हमारी इम्पॉर्टेंट ट्रेन है वह महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। महापरिनिर्वाण जो है ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड टर्म है, इसका मतलब होता है मोक्ष की प्राप्ति। सो गौतम बुद्ध को जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, गौतम बुद्ध जो डेथ किए थे कुशीनगर में, सो महापरिनिर्वाण जो है ये सारे बुद्धिस्ट साइट जो इंडिया और नेपाल में है वहाँ पे ये ट्रेन ट्रैवल करती है, जैसे कि लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया, बुद्धिस्ट रिलेटेड जितनी भी इंडिया में प्लेसेस हैं हर जगह ये ट्रेन ट्रैवल करती है। और एक जो हमारी और इम्पॉर्टेंट ट्रेन है वो है महाराजा एक्सप्रेस। महाराजा एक्सप्रेस इस वक्त सबसे ज़्यादा डीलक्स ट्रेन है, सबसे अधिक डीलक्स ट्रेन अगर इंडिया की किसी को कहा जाएगा तो वो है महाराजा एक्सप्रेस। इस ट्रेन में आप जब भी जाते हैं, जो भी इसके जो ट्रैवलर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, उनका ग्रैंड वेलकम किया जाता है लाइक अ किंग। और इसमें सारी वो लग्जरीज या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो इंडिया में दूसरी किसी भी ट्रेन में अभी तक नहीं है। सेकंड पिक्चर में आप महाराजा एक्सप्रेस की इमेज को देख सकते हैं कि किस तरीके से टूरिस्ट का वेलकम किया जा रहा है। और फर्स्ट इमेज जो मैंने शो की है वो पैलेस ऑन व्हील की है, जो इंडिया की सबसे पहली टूरिस्ट रेलवे थी। सो ये दोनों जो हमारी ट्रेन है, महानिर्वाण एक्सप्रेस एंड महाराजा एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेन को IRCTC ऑपरेट करता है। ये किसी भी स्टेट टूरिज्म के द्वारा नहीं चलाई जाती, इनको डायरेक्टली IRCTC ऑपरेट करती है। सो ये महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस, क्योंकि ये नेपाल को भी कवर करती है, सो ये बहुत ही स्पेशल ट्रेन है, खासकर जो बुद्धिस्ट पीपल हैं उन लोग के टूरिज़्म के लिए तो ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, जो एक बार में लग्जूरियस तरीके से इंडिया में सारे बुद्धिस्ट साइट को कवर कर सकते हैं। और महाराजा एक्सप्रेस जो है ये ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट के लिए होती है, फॉरेन टूरिस्ट महाराजा एक्सप्रेस में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। सो ये दोनों ट्रेन आप लोग बिल्कुल ध्यान से याद रखिए कि IRCTC इन दोनों ट्रेन को चलाता है, प्लस जितनी भी हमारी स्टेट टूरिज़्म जिस ट्रेन को चलाती है आपको उसे भी ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है, क्योंकि बहुत ही कम लग्जरी ट्रेन्स इंडिया में चलती हैं। नेक्स्ट जो हमारी लास्ट पॉइंट है वो है भारतीय रेल का जो मैस्केट है। मैस्केट का जो मतलब होता है कि समवन हु ब्रिंग्स लक। सो इंडियन रेलवे जो अपना मैस्केट मानती है वो एक भोलू एलिफेंट को मानती है। भोलू एलिफेंट को इंडियन रेलवे ने गार्ड के तौर पे शो किया है और इंडियन रेलवे का जो ट्रेन मैनेजर है वो भी भोलू है।
भोलू एक ऐसा एलिफेंट है जो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही फ्रेंडली तरीके से इंडियन रेलवे को रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि ये एक बिग एलिफेंट है, एलिफेंट बिग होते हैं, तो इंडियन रेलवे की जो लार्ज जो इमेज है उसको भी वो एलिफेंट के तौर पे शो कर लेता है इस भोलू के द्वारा। इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए कि जो मैस्केट होता है उसका मतलब होता है समवन हु ब्रिंग्स लक। सो इंडियन रेलवे के लिए जो हमारी लक को लेके आता है वो है हमारा भोलू एलिफेंट। ये जो भोलू एलिफेंट है इसकी जो डिज़ाइनिंग है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन 2002 में किया था और इंडियन रेलवे ने इसको अपना परमानेंट मैस्केट, अपना परमानेंट गुड लक लाने वाला पर्सन या इमेज जो है इसको अपना माना है 2003 से। सो अगर कभी भी आपको भोलू से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप लोग इसको ध्यान रखिए कि भोलू सारे इंडियन ट्रेन्स का मैस्केट है, जितनी भी इंडियन ट्रेन्स हैं उन सभी का मैस्केट हमारा भोलू एलिफेंट है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गई होंगी। लग्जरी ट्रेन्स बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, इनसे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सो आप लोग ये सारी पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा और प्लस किस स्टेट के द्वारा कौन सी ट्रेन चलाई जाती है और IRCTC हमारी जो दो ट्रेन चलाता है जो टूरिज़्म के पर्पज़ से है वो आप लोग बिल्कुल ध्यान से याद रखिए, महापरिनिर्वाणन महाराजा एक्सप्रेस। प्लस अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट डीलक्स ट्रेन कौन सी थी, सो डीलक्स ट्रेन आपकी डेक्कन क्वीन ही है। बट अगर कोई पूछता है कि फर्स्ट टूरिस्ट रेलवे कौन सी थी इंडिया की, सो वो थी पैलेस ऑन व्हील 1982 में। आई होप ये लग्जरी ट्रेन्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेशल ट्रेन्स इन इंडिया। हम कुछ स्पेशल ट्रेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो पैसेंजर के नीड्स के अकॉर्डिंग इंडिया में टाइम टू टाइम इंडियन रेलवे ने स्टार्ट की थी। सो सबसे पहले जो हमारी स्पेशल ट्रेन है वो है राजधानी एक्सप्रेस। राजधानी एक्सप्रेस के बारे में सभी लोग जानते होंगे कि ये इंडिया की सबसे सुपर फास्ट ट्रेन हुआ करती थी 1960 से 1990 तक, अप्रॉक्स 1990 तक ये सबसे सुपर फास्ट ट्रेन हुआ करती थी। हालांकि इंडिया की जो फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन है वो है डेक्कन क्वीन, बट जो डेक्कन क्वीन से ज़्यादा हाई स्पीड पे ट्रेन चल रही थी जो इंडिया में वो थी हमारी राजधानी एक्सप्रेस। ये चली है 1969 में, अप्रॉक्स इसको आज 52 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं और 50th एनिवर्सरी की जो पिक्चर है मैंने फर्स्ट इमेज में शो की है। सो आप लोग राजधानी एक्सप्रेस के बारे में याद रखिएगा कि इसको 50 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं। सो नेक्स्ट हमारी जो इम्पोर्टेंट ट्रेन है वो है शताब्दी एक्सप्रेस। शताब्दी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से झांसी के लिए सबसे पहले चलाई गई थी और ये 1988 में चली है, मतलब आफ्टर अप्रॉक्स 20 ईयर्स ऑफ राजधानी। राजधानी ट्रेन चलने के 20 साल के बाद लगभग, या 19 साल आप कह सकते हैं, ये ट्रेन जो शताब्दी ट्रेन है ये ट्रेन चलाई गई थी। शताब्दी ट्रेन जो है वो राजधानी ट्रेन से भी ज़्यादा तेज चलती है। इसकी स्पीड अप्रॉक्स 150 होती है किलोमीटर्स पर आवर एंड राजधानी की अप्रॉक्स 140 होती है, लगभग सेम ही होती है। सभी ट्रेन जो हैं अप्रॉक्स सेम ही स्पीड पे चलती हैं, बट जो मैक्सिमम स्पीड है वो राजधानी 140 अटेन कर सकता है और शताब्दी 150 तक जा सकता है। अगर बात करें इंडिया की फर्स्ट AC डबल डेकर ट्रेन, जो हमारी AC एयर कंडीशन डबल डेकर ट्रेन थी वो थी अहमदाबाद और मुंबई के बीच में, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद मुंबई सेंट्रल के बीच में सबसे पहली डबल डेकर AC ट्रेन चली थी। और अगर बात करें फर्स्ट नॉन AC डबल डेकर ट्रेन के बारे में तो यह है फ्लाइंग रानी। फ्लाइंग रानी आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये ट्रेन फ्लाई करती है तो इसमें बहुत सारी हवाएं चलती हैं, सो इसमें AC की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नॉन AC थी। और जो AC सिस्टम की ट्रेन थी वो थी हमारी अहमदाबाद और मुंबई के बीच में डबल डेकर ट्रेन। अगर बात करें इन दोनों में से पहले कौन सी ट्रेन चली थी, तो पहले हमारी
नॉन एसी ट्रेन जो फ्लाइंग रानी है वो चली थी। चले नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है जो हमारी पहली इंडिया की ट्रेन है जिसमें जो हमारा गार्ड है जो ट्रेन के लास्ट बोगी में है या लास्ट कोच में है और जो हमारा ड्राइवर है जो लोकोमोटिव में बैठा था इनके बीच में जो टेली कम्युनिकेशन है, टेली कम्युनिकेशन मतलब फ़ोन से कम्युनिकेशन नहीं, टेली कम्युनिकेशन मतलब रेडियो सिग्नल एंड जो हमारा वो सिस्टम है टेली कम्युनिकेशन का जो एक ट्रेन के अंदर लास्ट तक हम अपने गार्ड से बात कर सकते हैं, वो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो सबसे पहले किस ट्रेन में चालू किया गया था तो वो मुंबई और न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस थी। 1972 में ही राजधानी एक्सप्रेस जो मुंबई और दिल्ली के बीच में चली थी इसमें टेली कम्युनिकेशन सिस्टम आ गया था। टेली कम्युनिकेशन सिस्टम एक तरीके से रेडियो वेव्स के थ्रू हम अपने इंजन और लास्ट जो कोच है उसके बीच में हम कम्युनिकेट कर सकते थे। इस तरीके से इंडिया में गार्ड और ड्राइवर का जो कम्युनिकेशन है वो स्टार्ट हुआ था। अगर बात करें नेक्स्ट स्पेशल ट्रेन जो इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है और ये बहुत सारे सिटीज़ के बीच में भी चलती है, सो ये है दुरंतो एक्सप्रेस। तो पहली जो दुरंतो एक्सप्रेस थी वो सियालदा और न्यू दिल्ली के बीच में 2009 में चालू की गई है और दुरंतो एक्सप्रेस राजधानी शताब्दी के बाद सबसे सुपर फास्ट ट्रेन है। अगर कुछ स्पेशल ट्रेन्स को छोड़ दें, अगर गतिमान एक्सप्रेस एंड तेजस एक्सप्रेस जो अभी आ चुकी हैं, सो इनके आने के पहले राजधानी और शताब्दी के बाद जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन थी वो थी दुरंतो एक्सप्रेस। दुरंतो एक्सप्रेस बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेन है और ये न्यूली लॉन्च्ड ट्रेन है, 2009 में इसको लॉन्चिंग इसकी हुई है। सो इसके बारे में आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए कि इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, दुरंतो से, शताब्दी, राजधानी से रिलेटेड कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। सो इन तीनों ट्रेन्स के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ और जो सुपर फास्ट ट्रेन है इनके बारे में भी मैं आगे कवर करूँगा आने वाले लेक्चर्स में, जो इन ट्रेन्स के बाद आई हैं जो हाई स्पीड ट्रेन्स हैं। ये स्पेशल ट्रेन्स हैं जो नॉर्मली चलाए गए हैं, लेकिन हाई स्पीड एक पूरा प्रोजेक्ट है हाई स्पीड ट्रेन्स का, उसके बारे में मैं बात करूँगा। वो ट्रेन्स नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर्स में मैं उनके बारे में समझाऊंगा। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फर्स्ट ब्लाइंड ट्रेन। ये पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इंडिया में जो सबसे पहली ब्लाइंड ट्रेन जो स्पेशली एबल्ड जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड जो हमारे पीपल हैं उनके लिए जो हमारी फर्स्ट ट्रेन चली थी वो वाराणसी से मैसूरु के लिए चली थी और ये ट्रेन बहुत ही रिसेंटली लॉन्च हुई है, 26 जनवरी 2016 में लॉन्च हुई है। सो आप कह सकते हैं कि इस ट्रेन को लॉन्च करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने ही सहयोग किया होगा। सो अगर स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए कोई ट्रेन अभी तक लॉन्च हुई है तो ये सबसे पहली ट्रेन है हमारी वाराणसी मैसूरू, और दूसरे किसी भी तरीके के स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए कोई भी ट्रेन लॉन्च नहीं हुई, सिर्फ ब्लाइंड ट्रेन ही एक ऐसी ट्रेन है जो लॉन्च हुई है। सो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान से याद रखना है क्योंकि ब्लाइंड ट्रेन एक तरीके से एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और ये नई ट्रेन लॉन्च हुई है, इसलिए इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि वाराणसी मैसूर के बीच में एंड 26 जनवरी 2016 को। चलिए स्पेशल ट्रेन से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी मैंने आपको समझाई हैं, कुछ और इम्पॉर्टेंट ट्रेन्स के बारे में मैं आने वाले लेक्चर्स में भी आपको बताऊंगा। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट आपके मन में है या कोई भी पॉइंट आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और ये लेक्चर आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।